हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो या प्लान लेके आया हूँ, जो 50 डे का हमारे पास हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जी, जो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, जो जनरल स्टडी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है इस बार 18,000 जो है आपकी वैकेंसीज है। तो आपको मैंने इसमें ये बताऊंगा कि हमारा जो पैटर्न रहेगा, हम किस हिसाब से अपना जनरल स्टडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जनरल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कट ऑफ को बढ़ाएगा और आपकी सिलेक्शन को करवाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे तो जनरल स्टडी को लाइटली लेते हैं, और तो वो अपने दिमाग से ये बात निकालते हैं कि बिना जनरल स्टडी से आप ये क्रैक कर पाओगे। तो इस बार आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एसएससी सीजीएल 2024-25 की जो वैकेंसीज आई हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही प्लान आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कि 50 दिनों में हम जनरल स्टडी को कैसे करेंगे। तो आज का डिस्कशन मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ कि कैसे ये हमारी चीज़ें रहेंगी और हमें कैसे कैसे इन पे फोकस करना है। तो चलिए बताता हूँ आपको कि जो हमारे पास जनरल स्टडी है, ठीक है जी, जनरल स्टडी में आपके पास जो सीजीएल में है जी, वो 25 क्वेश्चन आएंगे और यही 25 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन को करवाएंगे। तो अब जनरल स्टडी जो है हमारे पास कैसे रहेगा, इसमें से आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। दूसरी बात, आपको इसमें से जो स्टैटिक जीके है, जो स्टैटिक जीके है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, स्टैटिक जीके भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपके पास जनरल स्टडी में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको हिस्ट्री है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है जी। जो आपको हिस्ट्री होगी, फिर पॉलिटी होगी, फिर हमारे पास जियोग्राफी होगी, और इकोनॉमिक्स होगी। अब हमारे पास देखो, जो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने हिस्ट्री एक बार पढ़ ली। आपने हिस्ट्री तो पढ़ ली, हिस्ट्री में भी जी 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जी, ठीक है जी, एशियंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको मेडिवल भी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको मॉडर्न भी पढ़नी पड़ेगी। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको एक बार बस उन्होंने पढ़ लिया तो हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ी, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ ली कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब आई थी, किसके द्वारा उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, ये सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में ही मैं आपको करवाऊंगा। अब क्या होगा कि आपने इसको थ्योरी को पढ़ रखा होगा, ठीक है, उसी में मैं, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी मैं आपको उसी उन्हीं क्वेश्चनों के बीच में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि हमारे पास एशियन हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, फिर उसमें हमारे पास डोकियाट हमें कहाँ मिला, ठीक है, लोथल क्या है, कालीबंगा क्या है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई है कहाँ पे, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, और वहां से हमें क्या क्या मिला, वो हम एशियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब मेडिवल हिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले पहले पहला मुसलमान कौन था जिसने भारत पर अटैक किया, ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास दिल्ली सल्तनत आएगी। तो वो सारे ही हम मेडिवल में पढ़ेंगे, किस फॉर्म में पढ़ेंगे जी, एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ेंगे। आप जितना मर्जी हिस्ट्री को, जितना मर्जी आप हिस्ट्री को पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यू और क्वेश्चन नहीं लगाओगे उसके, तब तक आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे, उतनी चीजें आपको पता चलेंगी कि क्या चीजें कहाँ रहती हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि हमने गांधीयन फेज पढ़ लिया, ठीक है जी, गांधीयन फेज पढ़ा। अब गांधीयन फेज में बोला गया कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो सभी को पता है जी 1917 में हुआ। अब चंपारण सत्याग्रह में किसके द्वारा महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था, तो वो आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि आपको पढ़ना क्या है जी, डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो जीएस है ना, वही आपको इस हिसाब से आएगा। आपको पता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। अब पॉलिटी में आपको पता है कि आपको आर्टिकल्स आते हैं। अब आर्टिकल्स आते हैं, आपने आर्टिकल पढ़े जी, आपने जो है आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, आपने आपको पार्ट 5 तक पता है कि जी पार्ट 5 तक आते हैं आपको। पार्ट, जैसे आपने पार्ट 3 पढ़ लिया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं तो
ये हमने किस संविधान से बोरो किए हैं, कहाँ से हमने इनको उधार लिया है, वो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, यूएसए से लिया है। तो ये कब आपको पता चलेगा? जब आप एमसीक्यू लगाओगे, क्योंकि आपने ये थ्योरी सब पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो भी मैं आपको इसमें आपको डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ से क्या चीज ली है। अब आपको किसी आर्टिकल के ऊपर पूछ लिया और आपने 10 ही आर्टिकल पढ़े हैं, तो वो किसकी गलती है जी? आपकी गलती है, क्योंकि आपको कम से कम 20 या 25 आर्टिकल तो आपके दिमाग में होने चाहिए कौन सा आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। अब स्टैटिक जीके बहुत ब्रॉड है। अब स्टैटिक जीके में आपके पास क्या आते हैं जी? किस इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा प्ले किया जाता है, ठीक है जी? जो जो हमारे पास अल्लाह रखा जो है, जो तबला बजाते हैं जी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा प्ले किया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें हम किस फॉर्म में करेंगे जी? एमसीक्यू की फॉर्म में करेंगे। अगर आपने हमारे साथ जुड़ के यूसी लाइव चैनल पे जुड़कर इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी, और ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक है जी? जब मैं इंडियन सिविलाइजेशन करवा रहा हूँ तो इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, हर एक सेट में आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद आपकी एक क्विज होगी। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने इसलिए आया हूं ताकि आपका जो सीजीएल का पेपर है, जो आपका सीजीएल का जो पेपर एसएससी सीजीएल जो आपका सितंबर या अक्टूबर में होना है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है। अब हम इसके ऊपर कल जो है क्लास रहेगी, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जी, मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि मेरे साथ जुड़े और उनको प्रैक्टिस करें। एक बार आप थ्योरी कर लें और उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी थ्योरी के ऊपर कितनी कमांड है बिना, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको जीएस नहीं आएगा। दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार, जब तक आप पढ़ोगे और उसके बाद एमसीक्यू लगाओगे तो ही आप जीएस में महारत हासिल कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचोगे कि ये जीएस कैसे करना है। और करंट अफेयर की बात रही तो आपको पता है कि आपका पेपर जी सितंबर अक्टूबर में आना है, तो आप इसी मंथ से करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ऊपर रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो है वो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है जी, फिर ये आपके साथ मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है, जो हम जनरल स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू की फॉर्म में मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ूंगा। तो अब हम मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम किस हिसाब से तैयारी करने शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में, जो हमारी पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम एमसीक्यू की फॉर्म में पहला जो एशियन हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।